बछड़ा की मोती। अरे बच गया। यार अब नरगिस हम कब से तोके खोजत रह ली, लेकिन काहे अल्लाह झूठ ना बुलाए। नरगिस हमके माफ कर द, न जाने गुस्सा में हम तोके का बोल गई। हम तो इहो ना सोच ली कि खुशबू के जैसे हम बहुत प्यार करी ले उसे तूहू करेलू, बल्कि हमसे ज्यादा करेलू। अल्लाह झूठ ना बुलाए, हम एक माँ के दिल के दुखौली, हम एक माँ के दर्द के ना समझ पौली। हम माँ देखी यही से खुदा हमरा पे लानत भेजे, हम एक माँ के दुख पहुँचाली। नरगिस हमके माफ कर द, हमके माफ कर द नरगिस। नहीं बाजी, हमरे दिल में आपके खातिर कौनो मलाल नहीं खे, और आप हमसे माफी मांग के हमके शर्मिंदा मत करी। बाजी हम अल्लाह ताला से दुआ करब कि आपके जल्द से जल्द औलाद के खुशी नसीब हो। अल्लाह झूठ ना बुलाए। नरगिस तुहार दिल कितना बड़ा है, तू सबके बारे में सोचे लू, हमरा तो ई घर के बारे में बहुत फिकिर रहेला। हम तो सोचत रहली कि तोरा ही घर में आवे से बहुत खुशी आ जाए, पर अल्लाह झूठ ना बुलाए, काश वो तोरे अंदर की ममता के पहचान पावत, तोरे चेहरा में आपन अम्मी के चेहरा पावत, बाकी वो तो बहुते बदनसीब है। नहीं बाजी, वो बदनसीब नहीं के, बदनसीब तो हम हैं। ओकरे मोहब्बत के ना जीत पौली, और ओके आपन ना बना पौली। अल्लाह झूठ ना बुलाए, तोहरे कोशिश में कोनो कमी ना रहल। शायद खुशबू के मुकद्दर में अम्मी के प्यार नहीं खे। हमके तो बुझात बा तो के देख के कहीं कुछ नहीं। बाजी हम खुशबू के कभो को तकलीफ ना पहुंचावे चाहती, हम तो हमेशा उनके खुशी के बारे में सोची ना, खाली खुशी। हम चाहिला कि वो हमेशा खुश रहे, खेलत रहे। बाजी हमें समझ में ना आवता हम का करी। एक उपाय है का? नरगिस आज अल्लाह ताला तोरा के मौका देले हवे कि तू खानदान के खातिर कुर्बानी दे दे। यानी अरमान की तलाक दे दे। के वास्ते तू अरमान के तलाक दे दे, जवन तोहार आजमाइश होत बा, इम्तिहान लेवल जात बा, तू ओके पास होके दिखा दे, दिखा दे कि दुनिया में औरत कुर्बानी देवे में पीछे नहीं खे। हाँ नरगिस दिखा दे दुनिया के। बोला तू ही कुर्बानी देबू ना? बोला नरगिस
तू ही कुर्बानी देबू ना। बोला तू ही कुर्बानी देबू ना। बोला नरगिस। बोला नरगिस। नरगिस अब जात हो ते फोटो के कौन काम है द हम के द अरे दा, दा, दा। लागत ता तीर निशाना पे लागल बा। नरगिस बिटिया कहाँ गई? लागत है अपन कमरा में होगी। हम अबही बुला के लावत है। बड़ी अम्मी नरगिस अपन कमरा में नहीं खे। अभी हम होके बाहर जा देखनी है। बड़ी अम्मी हम होके रोके के बहुत कोशिश करनी है बाकी ना ही रुकल है। अल्लाह झूठ ना बुलाए वो बहुते टेंशन में रहल। हाँ नरगिस नरगिस यहाँ भी तनाबा आखिर बिना बतौले कहाँ चल गई? या अल्लाह ना जाने केकर नजर लागल बा कि हमरे घर की खुशी रूठ गई बा। आखिर बात का हो गई जो ऐसे चल गई? या अल्लाह हमरे घर की खुशियां वापस लौटाए था। माजी नरगिस अभी लेना आई ली तो आ जाई। तू का है इतना चिंता करत हो? कोनो जंगल में थोड़ी ना गैल बिया अपने घर गैल बिया जब मन लगी तब चल आई। माजी हमके तलागे ले कि आपके उनकर कोनो फिकर नहीं खे। कतना देर हो गल गई ले कम से कम एगो फोन तो करे के चाहत रहल। ला फोन का बात होत रहल फोन आ गए जा देखा किकर फोन। हेलो कौन? रेखा बिटिया। हाँ हम अरमान के अम्मी। ओ, ओ अम्मी जी प्रणाम। खुश रहा अब घर में सब ठीक था बा? सब ठीक बा। बिटिया जरा नरगिस बिटिया से बात करावा।
नरगिस, लेकिन अम्मे जी वो तो आप ही कहाँ गए हैं? हाँ आयल तो रहल, लेकिन वो वापस चल गए। वापस? लेकिन वो तो अभी नहीं है ना पहुंचली। हुआ ना गए तो कहाँ गए? बहू का बात हो गई? माँ जी नरगिस वहां से न जाने कहाँ चल गई। कहाँ? हे भगवान हमारी बिटिया की रक्षा करें। या अल्लाह बिना बतौले कहाँ चल गई नरगिस? छेला दिया, छे, छे आ गए। या खुदा छे दिया दा। तेरा गाला से छे थोड़ी आई। अब की बार जरूर आई। अब अपन चाल चली। देखा, अब हम कैसे चार लिया के दिखाते हैं। चार, चार, चार की जगह छे। कोई बात नहीं के हम दोबारा लिया के दिखाएं चार। रेखा। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। हो गए? रेशमा है? ये रेशमा भी ना जाने कहाँ मर जाले। ले बिटिया। दादी दूध पी ले बेटा। पी के फिर पढ़ लिया। पी ले। बस थोड़ा सा होमवर्क बचल बा, ये कह के पी ले। ठीक बा। बड़े अम्मी का बात है, बहुत परेशान लगा था। का बताए बिटिया, नरगिस आयल रहे इहवा, लेकिन ना जाने का भय केहू से कहले बिना चल गए। अपन अम्मी के घर भी ना गए बिया, का पता कहाँ चल गए। अल्लाह परवरदिगार, आखिर हमार कसूर का है? हम कौन गुनाह कैली है कि आप बार बार हमार इम्तिहान लेत हैं? हमरे इबादत में ऐसन कौन कमी रह गई रहे कि हमरा के ई सिला मिलता? आखिर काहे आप हमरा के दोजक के आग में झुलसावत है? लोग कहेलन आपन खुशी भूल के दूसरन के खुशी चाहे वालन से अल्लाह ताला हमेशा खुश रहे, फिर आप हमरा पे ये जुल्म काहे करत हैं? काहे हमार हौसला के इम्तिहान लेत हैं? काहे अल्लाह ताला काहे? रुका रुका रुका, कहाँ बजा गया भाई? हैं? कहाँ हो? देखो, अरे कहाँ बजा गया भाई? कहाँ गाड़ी ले आऊँगा? बद्री भाई खाते हमारे इज्जत बाजार में उछाला था हुआ। ये छिपकली लेखा कापल बंद करा और सीधा खड़ा रहा। आज कौना तारीख है? 10/2/12 ना, यानी तोहार दिहल मोहलत खत्म। तोहरा के इतना समझौला के बाद भी तू हमनी के थूक लगावे से बाज ना आएगा? आए बद्री भाई, ऐसा जुलम मत करा बद्री भाई। अरे बीच बाजार में हमार इज्जत के नीलाम मत कर, कुछ तो ख्याल करा हमार। जरूर करत तुम्हारी इज्जत, लेकिन
खाल उधेड़े बखत समझला, ताकि तुहार ये हड्डी ना दिखे। आखिर तोहरा से कर्जा जे वापस लेवे के बा बद्री भाई, खुदा कसम तहार कर्जा चुकावे के इंतजाम हम कर ले हैं। तुम लोग तो बेकार में रुपया खटारा के बीच पड़ा हुआ, और हम तो तहार लोगों के खातिर में चार रुपया का इंतजाम करनी है सर। ते फिर नया नाटक शुरू कर देले ए तोनी सब अपन हाथ के खुजली मिटावा सा अरे सारे के। नहीं नहीं बद्री भाई, ऐसा जुलम मत कर। खुदा के कसम हम बिल्कुल सही कहते हैं, हम आपके पूरा कर्जा चुका देव। अरे बद्री भाई, आप लोग तो असल के चक्कर में हैं, और हम तो यहीं हुआ सूद समेत कर्जा चुकावे के इंतजाम करत हैं। बस दो दिन के हमारा मोहलत आउट दे, ये हमारा वादा, ये कमरों दिन के वादा कि हम आप लोगन के कार में बिठाई के गोरखपुर से बनारस में घुमाएं। उस्ताद कार मिल जाए तब तो बड़ा मजा आ जाए। अच्छा, अरे बद्री भाई, 2 दिन तो हम ज्यादा कह देनी, हो सकेला कि हम काल ही आप लोगन के कार दे दी। फिर आप अपन बेगम के बैठाए के पूरा गोरख शहर घुमाई। ठीक बा, 2 दिन में हमारा कार मिल जाएगी, चाहे चौना मॉडल के भी हो, बाकी नया होवे के चाहिए। अगर अब के तू होशियारी कहला ना, तारा के काट काट के कबाब बना के खा जाए, समझ रहा? अरे ना बद्री भाई, एकरा में कौनो डिफिकल्टी नहीं, हम 2 दिन में जरूर चुका दे। अच्छा तो चला थे बद्री भाई। बोला चल भाई। दे जल्दी जा। शुक्रिया, चला जा। चला जाएं, 2 दिन में मिल जाएगा चाहे, बार बार मोहलत हम ना दें। ना बद्री भाई, पैसा टाइम पर मिल जाएगा चाहे। जात जात कहा कहले से कौन समझ में ना आई, तो क्या कुछ समझ में आई?